हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बज रहा है सुबह के 8 और मैं उठ चुकी हूँ। और आज मेरा सर बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा है, बिकॉज कल मैंने नींद पूरी पूरी की है रात को, एंड अब ऐसा रिफ्रेश सा फील हो रहा है, लाइक सर में दर्द था ही नहीं कभी, कल मेरे पेन हुआ ही नहीं था। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरा सर इतना अच्छा फील कर रहा है आज। तो उठते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, इनके ब्रेकफास्ट को रेडी करते हैं, और मेरे फिर कुछ बनाते खाने के दलिया बलिया, उसके बाद काम वाम करेंगे, बिकॉज पहले ब्रेकफास्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वीकनेस फील होगी दोबारा से। जैसा मैं 2 दिन से ब्रेकफास्ट कर रही थी अच्छे से प्रॉपर, मतलब ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, डिनर भी, और बीच में मील भी ले रही थी, वापस उसी रूटीन पे आना पड़ेगा। तो पहले उठ के अपने लिए कॉफ़ी बनाते हैं, ब्रेड खाते हैं, इनके लिए अंडे छील के रखते हैं, फिर अपने दलिया बनाऊँगी, फिर जाके कहीं काम करूँगी, बिकॉज वीकनेस तो खाने से ही ख़त्म होएगी। बट हाँ, पेन का जो था सिस्टम, वो सर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल रिलैक्स हुए हैं। तो अब पहले कुछ बनाते हैं फटाफट से खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। चलो चलते किचन में। तो भाई सारा काम हो चुका है, सिर्फ बर्तन आए गए, फटाफट से बर्तन धोते, फिर अपने आलू वाले रखते हैं, और अपने खाना वाने की तैयारी करते हैं। पहले बर्तन धोने के बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए, क्योंकि 8:30 हो चुके हैं, सर लेट कर तो फिर लेट ही हो जाएगा। फटाफट से बर्तन धोते हैं। बिजली की वजह से टंकी में पानी भी नहीं बचा, किसी ने टंकी भरी भी नहीं। अब लाइट आएगी तो मैं ज़रूर भरूंगी, तो बर्तन अब ऐसे भर के लाई मैं वॉशरूम से, बिकॉज वॉशरूम में तो मतलब बकेट में भर के रखती हूँ, तो अब उससे बर्तन धोने पड़ेंगे, उन्हें सारे बर्तन ऐसे पड़े रह जाएंगे। तो फटाफट
भाई मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। टुनू टुनू बंद कर दो थोड़ी देर। हाँ जी। और अब मेरा ब्रेकफास्ट होएगा जो कि मैं दलिया और बनाना ले रही हूँ। कितने बज रहे हैं? 11:30 कुछ काम करते करते। और इन्होंने अपनी 2 मील ले चुके हैं। एंड मैंने सो मॉर्निंग में वर्कआउट करने इसलिए बंद कर दी बिकॉज हम दोनों ही थक जाते हैं आधे आधे टाइम में, तो बेटर है एक टाइम करें तो एक टाइम ही थके वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब ब्रेकफास्ट करें, इन्होंने खा चुके हैं क्योंकि मैं दोबारा भी आलू का पराठा बनाऊंगी। इतने में हम टीवी देखते देखते अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करते भाई। नहा धो के आज रेडी है भाई, पूजा भी कर ली। कितने राजे बाबू जैसे लग रहे हो, है ना? पूजा भी कर ली और ऑर्डर भी आने वाला है एक ब्लिंकिट से। क्या डेली है ना सब्जियां खत्म हो जाती है। गाजर और ब्रोकली और बस मेरे लिए कुछ नहीं। आप खीरे का बना लिया? दो खीरे आए थे, खीरे मंगा लिया। खीरा भी रखा है, वो तो खा लो फिर आ जाएंगे। ना ब्रेकफास्ट करते हैं फिर खाना बनाऊंगी तब दिखाती हूँ। आलू का पराठा बहुत दिनों बाद खाऊंगी और मैंने पहले ही दही निकाल के रख दी कि नॉर्मल हो जाए वरना ठंडे में को बीमार पड़ जाऊंगी। इसे आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देख ही लिया था, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती दोबारा से। चलो खाना खाते हैं और टीवी देखते हैं।
वही वर्कआउट करके आ गए। आज का वर्कआउट बहुत अच्छा था और बहुत रिलैक्सिंग था। इवन मैंने कराया भी न्यू क्लाइंट्स को, जो मेल्स मतलब मेल्स को भी और फीमेल्स को भी, मेल्स मेन तो मेले फीमेल्स होती, मैंने उनको वर्कआउट कराया। कोई एक दो क्लाइंट नहीं भी थी, मज़ा आ गया वर्कआउट करके, वर्कआउट करके प्रोटीन पी के सब करके। देखो भाई आई हूँ मैं तो अपना प्रॉपर। अब चलते हैं किचन में, किचन पहले समेटना है, फिर अपना खाना बनाना है, फिर जाके चेंज करूँगी, पहले काम करूँगी फिर चेंज करूँगी। चलो फटाफट किचन में चलते, देखते हैं उन्होंने क्या आतंक मचाया है किचन में, फटाफट चलते हैं। तो भाई एक बात तो बोलनी पड़ेगी, इनके चिकन बनाने एक फ़ायदा तो है, आया रखा बाउल रखा और इसमें रखा 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 और खाने के लिए रखा और चलते बने हैं। ये सही है आपका, सबसे बड़ी है। हाँ बहुत बड़ी है भैया, मेरी किचन तो फैली पड़ी है। ये देखो बर्तन दिख रहे होंगे, ये शेखा सभी आए हैं, ये तो बर्तन मैं अभी सेट कर दूंगी। देखो ये पड़ा है, ये इनका फ्राई पैन, ये रहा बाउल। क्या धो रहे हो बर्तन? बर्तन धोके रखती हूँ मैं, ठीक है दिखाओ मत। हाँ नहीं तो वही पहले अपनी किचन सेट करेंगे, फिर अपने लिए कहीं जाके खिचड़ी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आज मैं खिचड़ी और खाऊंगी दही, मन कर वो मैंने अंदर अंदर घुसो दी पूरी। अरे उसमें बहुत सारी ब्रोकली थी, मैं अंदर अंदर करती थी। ये थोड़ी कि आप एक बार में खाओ तो खत्म ही हो जाएगी। तो मैं फटाफट पहले बर्तन धोते हैं फिर खाना बनाते हैं अपना। तो भाई अब सोने का टाइम हो गया है एंड आज फिर वही हल्दी वाला दूध सी, तो आज भी यही पीना है। आई होप कि मैं ये रोज रेगुलर पी पाऊँ, बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चल रही है कंटिन्यू, भाई ब्लॉगिंग एडिटिंग चल रही है, मेरी भी चलेगी नहीं बिकॉज मेरे में पूरी हुई नहीं है। दूध पीते हैं और सोते हैं, मतलब टीवी देख रहे हैं थोड़ी देर फिर सोते हैं, सुबह मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड नाइट। एंड आप लोग भी जितना हो सके इस टाइम पे गरम दूध या फिर मतलब हल्दी वाला दूध गुड़ के साथ ही दूध पी, बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं अगले महीने से छुआरे भी शुरू करूँ दूध में, मतलब जो गर्म करके जो खाते हैं गर्म उबल जाते हैं वो भी शुरू करूँगी। अभी तो हल्दी वाला दूध ही शुरू किया है। सो बाय गुड नाइट, कल मिलते हैं मॉर्निंग, बाय।